नमस्कार, हरियाणा 112 में आपका स्वागत है। बताइए आपकी किस प्रकार सहायता कर सकती हूँ। मात्र एक नंबर डायल करने पर 112। हरियाणा पुलिस ने डायल 112 पर ट्रिप मॉनिटरिंग सर्विस, यह सेवा एकदम मुफ्त है और महिलाओं के लिए है। जो महिला अकेली किसी टैक्सी या प्राइवेट साधन से एक जगह से दूसरी जगह या एक शहर से दूसरे शहर जाती है, तो वह अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर वालों को या किसी व्यक्ति को अपने साथ लेकर जाती थी। लेकिन अब इस समस्या का समाधान हरियाणा पुलिस ने कर दिया है। अब महिला को केवल डायल 112 पर फ़ोन करना है और कहना है कि मुझे ट्रिप मॉनिटरिंग सर्विस दे दीजिए। इसके लिए डायल 112 से कुछ जानकारी आपसे ली जाएगी। वह जानकारी देने के बाद आपकी ट्रिप मॉनिटरिंग हरियाणा पुलिस करेगी। अगर आपका ड्राइवर गाड़ी को रूट से हटाकर लेकर जाएगा तो फौरन आपके पास कॉल आएगी। दूसरा, हरियाणा पुलिस हर थोड़ी देर के बाद आपको पूछती रहेगी कि आप सुरक्षित हैं, जब तक आपके गंतव्य तक आप पहुंच नहीं जाती। इससे महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी और वह अपने आप को किसी प्रकार की दुर्घटना होने से बचा सकती है, क्योंकि अगर कोई भी व्यक्ति महिला के ऊपर आती है तो वह फौरन जहां पर भी उसकी गाड़ी होगी उसकी लोकेशन लेकर गाड़ी के पास पहुंच जाएगी और महिला की सहायता करेगी। यह एक सरकार का सकारात्मक कदम है जिससे महिला और भी सशक्त होंगे। देखिए, ये तो आप लोगों को पता ही है कि डायल 112 जो महिलाओं के लिए बनाई गई है, महिलाओं के लिए नहीं, एक्चुअली सबके लिए, सबके दिमाग में। अभी मैं एक लेक्चर में भी गई थी तो उन्होंने, उनको दिमाग में यही था कि डायल 112 सिर्फ महिलाओं के लिए है, तो ऐसा नहीं है। डायल 112 सबके लिए है, लेकिन डायल 112 का एक और नया रूप जो है ना आया है वो ये है कि ट्रिप मॉनिटरिंग सर्विस वो महिलाओं के लिए है स्पेशली, क्योंकि आपके घर में कोई भी फीमेल है वो पुरुषों के लिए नहीं है, वो सिर्फ फीमेल्स के लिए है। कोई भी महिला, कोई बच्ची है, कोई बड़ी है, किसी भी एज की क्यों ना हो, अगर उसको कहीं जाना है, पर उसमें एक चीज है कि भी आपको सरकारी व्हीकल का इस्तेमाल नहीं करना है। सरकारी व्हीकल के अलावा प्राइवेट व्हीकल से अगर आपको कहीं यात्रा करनी, कोई एग्जाम देने के लिए जाना है या किसी और पर्वत से जाना है, जैसे कैथल से आपको चंडीगढ़ जाना फॉर एग्जाम्पल, तो आप क्या करेंगे, डायल 112 को कॉल करेंगे और उनको बोलेंगे कि मुझे ट्रिप मॉनिटरिंग सर्विस का फायदा उठाना है और मुझे उसकी सहायता चाहिए, तो वो आपको कुछ मैसेज भेजेंगे, लिंक भेजेंगे, उस लिंक को ओपन करना होगा। उस लिंक में आपने अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस और कहां से कहां तक आपको जाना है, ये सारी डिटेल्स भरनी होगी। सेकंड, आपको ये बताना होगा कि आप किस व्हीकल से जा रहे हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, उसके ड्राइवर का नाम क्या है, उसके ड्राइवर का मोबाइल नंबर क्या है, और इसके अलावा एक दो नीडफुल इंफॉर्मेशन और चाहिए होगी, तो वो सारी आप फिलअप करेंगे उस फॉर्म में। और फर्दर जब आप अपनी यात्रा को शुरू करेंगे तो डायल 112 आपको कॉल करके पूछेंगे कि आप कहाँ पहुंच गए हैं, आप सुरक्षित हैं, तो इस तरीके से आप जब तक अपने सही स्थान पर जहां पे आपको जाना है तब तक डायल 112 आपको कॉल करके पूछती रहेगी समय समय पर। इनकेस रास्ते में आपका मोबाइल बंद हो जाता है तो अल्टरनेट नंबर जो आपने दिया है, वो चाहे ड्राइवर का है या जो भी आपके साथ जा रहे हैं, तो उनका जो नंबर दिया उस पर कॉल की जाएगी। फिर अगर कोई ऐसी समस्या आ जाती है कि मोबाइल नहीं मिल रहा है, तो डायल 112 आपकी गतिविधि को देखते हुए कि कहां पहुंच गए होंगे आपको ट्रेस भी करेगी, और अगर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है तो उसमें आपकी हेल्प करके आपको वहां पे पहुंचाएगी भी। तो ये महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है और इसका सभी महिलाओं को फायदा उठाना चाहिए। मैं चाहती हूं कि आप ये मैसेज सभी महिलाओं तक, सभी परिवारों तक पहुंचाएं, ताकि सभी जो बच्चे हैं फीमेल, मतलब क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चियों को अकेला ट्रैवल करना पड़ता है, उनको देर रात तक, लेट तक करना पड़ता है ट्रैवल, उस समय उनको बहुत ज्यादा समस्या आती है, तो उन तक ये मैसेज पहुंचे और वो डायल 112 का फायदा जरूर उठाएं।